आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि आप कैसे अपने बालों को ब्यूटीफुल, लॉन्ग, थिक, लास्टिंग एंड हेल्दी बना सकते हैं। ये रेमेडीज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल, लॉन्ग, थिक, लास्टिंग, खूबसूरत, घने, लंबे और अट्रैक्टिव बाल हमारे सर का ताज होते हैं। इसलिए बालों को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए, और बालों की तरफ से थोड़ी सी लापरवाही बढ़ जाए तो बाल झाड़ियों की तरह बन जाते हैं। इसलिए बालों को परकशिश, खूबसूरत, लंबे और घने बनाने के लिए भी बालों को प्रोटीन्स, विटामिन्स और आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बालों को ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लॉन्ग, थिक, लास्टिंग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पे नीड होगी सम डिफरेंस ऑयल की। ये सब ऑयल आपने विदाउट केमिकल यूज़ करने हैं। ये आपको किसी भी बंसार की शॉप से ईजिली मिल जाएंगे। ये ऑयल बिल्कुल नेचुरल, 100% प्योर एंड विदाउट केमिकल होंगे। चले अब इन सब ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और आप जान लीजिएगा कि इनकी क्वांटिटी आपने किस तरह रखनी है। हमें यहाँ पे सबसे पहले नीड होगी 1 बाउल की। हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे फर्स्ट ऑयल ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हमारे ड्राई बालों को ब्लॉक करके हमारे बालों को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड एंड विटामिंस की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बालों के लिए गुड है। नेक्स्ट ऐड करेंगे पम्पकिन ऑयल, यानी कि कद्दू का तेल। पम्पकिन ऑयल में पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को इनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से 2 वीक्स में ही हमारे बाल लंबे और घने हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑयल ऐड करेंगे कोरिएंडर ऑयल, यानी कि धनिया का तेल। कोरिएंडर ऑयल में इसेंशियल विटामिंस और मिनरल्स की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे ब्रेन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, और साथ में हमारे बालों को स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बनाती है। नेक्स्ट 4 ऐड करेंगे कैस्ट्रोल ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। कैस्ट्रोल ऑयल बेस्ट ऑयल है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बालों को मॉइस्चराइजर करने के लिए और आपके बालों को थिक एंड हेल्दी करने के लिए। नेक्स्ट ऐड करेंगे ओलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। अगर आपके पास जैतून का तेल अवेलेबल नहीं, तो आप इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ओलिव ऑयल में एंटीऑक्सीडेंट के कंटेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी डैमेज हेयर को न्यूरिश करते हैं। नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट ऐड करेंगे ऑलमंड्स ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। अगर आपके पास ऑलमंड्स ऑयल नहीं, तो आप इसकी जगह विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलमंड्स ऑयल में विटामिन B7, बायोटीन एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे फ्रीजी डैमेज हेयर को रिपेयर करती है और हमारे बालों को सॉफ्ट एंड सफल करती है। अब हम इन सब ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप इसको इजीली किसी कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपने जो इनकी क्वांटिटी है वो आपने इक्वल करके स्टोर करनी है, और ये सब बेस्ट ऑयल है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे बालों को ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लॉन्ग, थिक, लास्टिंग, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब आप इस नेचुरल एंड 100% प्योर ऑयल को वीक में 2 टाइम्स और 2 वीक्स में 4 टाइम यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप अपने बालों में खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आप भी अपने बालों को ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लॉन्ग, थिक, लास्टिंग, स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर बनाना चाहते हैं, तो इस ऑयल को ज़रूर ट्राई करिएगा और इसका रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर आप ऐसे ब्यूटी टिप्स के रिलेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप इजीली और फर्स्टली देख सकें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।